नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस पास, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो गौरतलब हो तो 13 लोगों के साथ वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान ने 3 जून की दोपहर 12:27 पर असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और 1 बजे इसका संपर्क टूट गया था। पिछले 8 दिनों से ये विमान गायब था और सेना इसे ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन मंगलवार के दिन इस विमान के मलबे का पता चल गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। पता चलने के बाद सेना ने वहां चीता और लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, पर ऊंचे पेड़ों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। पर सेना ने इसकी लोकेशन चिन्हित कर ली है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिपो नाम की जगह से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, फ्रांस ने सोमवार के दिन स्पष्ट कर दिया है भारत को उसका पहला रफेल सितंबर माह के अंत तक मिल जाएगा। वह बचे 35 रफेल एक एक करके 2 से 3 सालों में भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूरोप और फॉरेन अफेयर ऑफ फ्रांस जीन वेबस्टाइल लेमोने ने कहा है कि इस डील से भारत और फ्रांस के संबंधों में और निकटता आएगी। जब उनसे रफेल को लेकर भारत में हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ्रांस इस तरह के विवादों पर ध्यान न देकर डील को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। दोस्तों, हमारी तीसरी खबर चाइना को लेकर है। चाइना हथियारों की दौड़ में जहां अमेरिका से मुकाबला करने में लगा रहता है, अब चाइना ने दावा किया है कि उसने ओवर द होरिजोन मैरीटाइम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को डेवलप किया है, जो 5th जनरेशन के फाइटर को भी ट्रेस कर सकता है। उसका सीधा निशाना अमेरिका का F-35 फाइटर जेट माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लीडर योंगटेन ने बताया, ये रडार हाई फ्रिक्वेंसी सर्फस वेव रडार है जो हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, जो फाइटर जेट के साथ मिसाइलों को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। Oh, 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 oh